पीछे ए, 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 रुक 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 आए अरे बैंचोट बैंचोट कट सॉरी ब्रो अंदर क्या लौड़े सॉरी ब्रो डॉक्टर से हो गया क्या सॉरी करे करे मार चोट देंगे करे मार चोट देंगे माँ की गाली भाई गाली नहीं मत दिया करो यार ऐसे मिलो माँ की गाली कैसे दिया माँ की गाली दोबारा ये माँ की गाली कैसे दिया माँ की गाली कैसे दिया माँ की गाली कैसे दिया बोल रहा है माँ की गाली कैसे दिया माँ की गाली कैसे दिया माँ की गाली नहीं दे माँ की गाली नहीं दे अगर एक लम की औलाद है तो पाँच में जाए रुके निकाल अरे चल चल बहुत देखे हैं तेरे जैसे आजा बेटा बताओ कैसी छोटी छोटी सी बात पे मारा पीटी कर रहे हैं मुझे पाँच मिनट दो मैं अभी आया भाई जान को प्रॉब्लम डाल रहा है बोला पांच मिनट को मैं भी आ रहा है जान सॉरी ब्रो गलती से हो गया अबे पागल है क्या दूसरी के मार चूतूंगा तेरे भी गाली मार के दे दिया भाई सॉरी बोला तो ब्रो गाली क्यों दे रहा है नाटक मत कर वरना यही मार चूतूंगा तेरे दो मिनट मैं आ रहा हूँ बोला दो मिनट को मैं आ रहा हूँ पक्का कहा अबे इधर आ वरना मार चूतूंगा तो भाई तू मां को लेकर आ गया क्या बात है मेरी माँ बोलना मेरी माँ जो बोल रहा था कर भाई मैं तेरी हाँ ये मेरी ही माँ है जो बोल रहा था करके दिखा जो बोल रहा था ब्रदर मेरा वो मतलब नहीं था अच्छा मतलब जो तू बोलता है वो बिना मतलब के बोलता है ये मतलब है तेरा भाई मेरा मतलब मैं तुमको बोला था यार माँ को क्यों बीच में ला रहा है पागल है क्या तुम अंदर जाके बैठो माँ तुम अंदर जाके बैठो मुझे पता है कि तू मेरी माँ को गाली नहीं दे रहा मुझे पता है कि तू मेरी माँ को गाली नहीं दे रहा था और देता भी कैसे भाई जब तू मेरी माँ को जानता ही नहीं वो बाइक वाला भी तेरी ठीक इसी तरह वो बाइक वाला भी तेरी माँ को गाली नहीं दे रहा था तूने अपने शैतानी दिमाग पे पता नहीं क्या क्या सोच के उस पर हाथ उठा दिया और ये सिर्फ तेरी और मेरी बात ही नहीं है हम सबको जब भी कोई माँ की गाली देता है तो चूतिए हम हैं कि माँ की गाली सुनते ही हमारी माँ की शक्ल हमारे सामने आ जाती है यार और हमें ऐसा लगता है इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मासूम सी भगवान जैसी माँ को गाली देने की जबकि दूर दूर तक इसमें हमारी माँ का कोई रोल होता ही नहीं है जब हमारी माँ को नहीं पता उसे गाली पड़ रही है जब गाली देने वाले को नहीं पता कि तुम्हारी माँ कौन है कहाँ है कैसी दिखती है तो ये गाली तुम्हारी माँ के लिए कैसे हो सकती है सही बात भाई सही बता रहा है मुद्दा किसी और चीज का है लड़ाई किसी और बात पे हो रही है अब लड़ाई है तो गाली है तो माँ की गाली है लेकिन माँ की गाली आते ही मेन लड़ाई का मुद्दा कहीं खो जाता है और असली मुद्दा माँ की गाली का बन जाता है और माँ की गाली पे बड़े बड़े मर्डर हो जाते हैं भाई सही बात है बड़े में क्या बात कही है भाई तुमको ताली बजाने से ज्यादा ये सोचने की जरूरत है कि जो तुम्हें माँ की गाली दी जाती है वो असल में तुम्हारे माँ के लिए होती ही नहीं है तो उस बात पे लड़ाई मत करो मारा पीटी मत करो क्योंकि मारा पीटी करोगे तो चोट तुम्हें लगेगी लेकिन दर्द तुमसे ज्यादा तुम्हारी माँ को ही होगा और मैं तो कहता हूँ कि गाली दो ही मत यार मुझको बचा लो मुझको बचा लो भाई भाई मुझको बचा लो तेरे को भी मार देंगे मुझको बचा लो अबे यार पागल है क्या छोड़ मदर छोड़ बाकी गाली नहीं देने का गाली नहीं देने का
अरे बैन शॉट। रुक रुक रुक। अच्छी लगी है।